One, go! Ready? स्की करके आते हैं ना, कहीं पर पत्थर वगैरह मिलता है या पेड़ के साथ कहीं ऐसा डिसबैलेंस हो जाता है तो सिर नीचे ना लगे। निकलो कम्युनिकेशन का
और इन जवानों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग होती है और ये कोर्स हमारा जो स्नोफॉल के साथ ही शुरू होता है दिसंबर और जनवरी के महीने में और बेसिक ट्रेनिंग हमारी 9 हफ्ते की चलती है जिसमें हमारे पास जो स्टूडेंट्स जो ट्रेनीज है वो आते हैं वो बेसिकली ऐसे इलाकों से आते हैं जो यूनिट्स डिप्लॉय होती है ऐसे बर्फीले इलाके में जैसे आप मान के चलिए बटालिक या ग्लेशियर या ऐसे ऐसे लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो तैनात है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ होती है वहाँ से हमारे स्टूडेंट्स आते हैं और रही बात ट्रेनिंग की तो सबसे पहले जो भी यहाँ पे ट्रेनीज आते हैं तो उनको हम सबसे पहले स्की पे खड़ा होना सिखाते हैं क्योंकि सारे नए होते हैं किसी ने स्की को देखा नहीं होता है तो स्की पे खड़ा होना सिखाते हैं और ये सारी कार्रवाई हम इनको गुलमर्ग बाउल में सिखाते हैं उसके बाद हम यहाँ पे जहाँ पे अभी हम खड़े हैं यहाँ पे उनको बेसिक ट्रेनिंग कराते हैं और यहाँ पे हम उनको मिलिट्री स्कीइंग बेसिकली जो मिलिट्री स्कीइंग है मिलिट्री स्कीइंग से अवगत कराते हैं और साथ ही जो मिलिट्री स्कीइंग से हम मतलब समझते हैं कि आपने देखा होगा कि जैसे एक स्कीयर होता है वो बिना किसी वेट के साथ स्कीइंग करता है लेकिन हमारे जो मिलिट्री स्कीयर है वो अपना बैटल लोड लेके चलते हैं कंधे पे और फिर स्कीइंग करते हैं और वो स्कीइंग किसी भी अंडुलेटेड जो भी अंडुलेटेड ग्राउंड वगैरह होते हैं वहाँ से स्कीइंग करते हैं तो ये इस ये इतनी ट्रेनिंग हम यहाँ पे देते हैं उनको ताकि वो वापस यूनिट में जब जाएगा तो वहाँ पे वो इतना सक्षम हो जाए कि कोई भी टास्क जो उसको बर्फीले इलाके में दिया जाए वो उसको बहुत ही अच्छे बखूबी अंजाम करे अंजाम बिल्कुल सही पहचाना आपने कि जो भी हमारे जो जब बर्फ गिरती है तो एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे हम इनको ना कि सिर्फ स्कीइंग सिखाते बल्कि हम ऐसे लेटेस्ट इक्विपमेंट से इनको वाकफियत कराते हैं कि जो इनको बर्फ में चलने में और भी ज़्यादा तेज़ी बढ़ाते हैं या और भी मदद देते हैं जैसे कि ट्रैगर शूज़ जो देखा होगा आपने ट्रैगर शूज़ अगर कोई पेट्रोलिंग पार्टी जा रही है तो उनको हम ट्रैगर शूज़ देते हैं तो वो आराम से बर्फ़ के ऊपर चलते हैं और अगर ये स्टूडेंट्स इतने जो वहाँ पे पेट्रोलिंग पार्टी है जो बर्फीले इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं अगर उनके पास स्की है और स्की के साथ स्की स्किन है तो वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो किसी भी पहाड़ी पर चढ़ भी सकते हैं और डाउन स्कीइंग करके वहाँ से नीचे भी आ सकते हैं और अपना टास्क अंजाम दे सकते हैं और ये पेट्रोलिंग होती है कि जब से हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल बना है तब से जितने भी यहाँ से स्की ट्रेनीज यहाँ पे स्की की ट्रेनिंग करके गए हैं उन्होंने अपना टास्क जो पेट्रोलिंग का या कोई भी टास्क जो है चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो चाहे वो किसी और इलाके में बर्फीले इलाके में हो वहाँ पे उन्होंने सही रिजल्ट दिया है बिल्कुल है क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल आज तक 20 फॉरेन कंट्रीज से आए हुए स्टूडेंट्स को भी ट्रेन कर चुका है और आज की डेट में भी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो ट्रेनिंग चल रही है उसमें भी हमारे फॉरेन स्टूडेंट्स अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसके साथ साथ अगर हमारे पास ये लेटेस्ट इक्विपमेंट या हमारे पास स्किल नहीं होता स्की का जो मिलिट्री स्की का स्किल नहीं होता तो फॉरेन कंट्रीज हमारे पास स्कीइंग करने या ये कोर्स करने के लिए नहीं आते ही समझे आप यहाँ पे हम जो मिलिट्री स्कीइंग के साथ साथ हम इनको सर्वाइवल जो ट्रेनिंग है सर्वाइवल की ट्रेनिंग भी देते हैं सर्वाइवल ट्रेनिंग में हम इनको एक हफ्ते के लिए इग्लू में जो है इग्लू में उनको रहना पड़ता है बर्फ़ से उनको पानी बनाना होता है उनका जो खाना पीना है इग्लू में ही बनाते हैं और उसी में सोते भी हैं और साथ साथ जो है पैरेलल में ट्रेनिंग भी इनका चलता रहता है तो वो एक ऐसा एक ट्रेनिंग एस्पेक्ट है जो इनको अवगत कराता है कि कितना माइनस टेम्परेचर में एक इग्लो में रात में आप रह रहे हैं तो वो इनको सक्षम बनाता है कल जब ये ग्लेशियर में जाते हैं वहाँ पे ग्लेशियर में तैनात होते हैं तो वो वहाँ की ठंड जो है वो इनको बहुत ही कम ठंड लगती है एक्चुअली दिक्कत आती है जैसे कि हमारा एक ऐसा साइंटिफिक सिस्टमैटिक सिस्टम है यहाँ पे जो कि जो हम चाहे कोई भी जो ट्रेनी है चाहे वो ग्लेशियर से आया हो या चाहे वो किसी हाईल्टीट्यूड इलाके से आया हो या चाहे किसी प्लेन इलाके से आया जब वो यहाँ पे रिपोर्ट करता है हम उनको सबसे पहले जो है एक्लिमेटाइजेशन स्टेज जो हमारी होती है उन स्टेजेस एक्लिमेटाइजेशन स्टेजेस में उनको पहले एक्लिमेटाइज कराते हैं और फिर उसके बाद ही ग्रेजुअली एंड स्लोली हम उनको क्या है ट्रेनिंग कराते हैं अभी आज की डेट में जो अभी है यहाँ पे 180 की स्ट्रेंथ मेरी अभी है जो पूरे ऑफिसर्स या जो सरदार साहिबान और जवान हैं सारे इकट्ठे ट्रेनिंग कर रहे हैं और 180 की स्ट्रेंथ आज की डेट में यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं इसके बाद जब ये 9 हफ्ते की ट्रेनिंग करेंगे 9 हफ्ते की ट्रेनिंग करने के बाद इसमें से हम देखेंगे क्योंकि हमारे इसमें साथ साथ टेस्ट भी चलते रहते हैं चाहे वो मिलिट्री स्कीइंग टेस्ट हो या चाहे वो एंड्योरेंस का टेस्ट हो जैसे कि 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर का हमारा पूरा जो रूट बनता है वो पहाड़ के ऊपर से चढ़ के आना होता है डाउन भी होना होता है उसमें आपको सारी जो हमने टेक्निक्स और जो आपको स्किल्स सिखाई होती है वो आपने उसमें उस टेस्ट में आपको पास करना होता है उस टेस्ट में जो पास होता है अच्छे मार्क्स हासिल करता है उसमें हम फिर 100 की स्ट्रेंथ या डिपेंड करता है कि
इट्स नॉट सैक्रोसेंट कि वो 100 की स्ट्रेंथ ही हो, जो अच्छा करेगा वो एडवांस कोर्स करेगा अगले 3 से 4 हफ्ते तक इस स्कूल को. हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जो है, मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ साथ हम और भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ साथ हम एक रेस्क्यू जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस भी कराते हैं, जैसे कि कल कोई एवलांच वगैरह कुछ होता है तो एवलांच की ट्रेनिंग भी देते हैं कि जो यूनिट से एक टुकड़ी आई हुई है, 5 से 6 जो जवान है उनकी टुकड़ी आई है, उनको हम ऐसे ट्रेन करते हैं कि कल अगर खुदा न खास्ता उनके इलाके में कोई एवलांच आता है तो वो इतने ट्रेन हो जाते हैं कि वो वहाँ पे अपने आप जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम देते हैं. और साथ ही अगर हम मैं दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ तो वो है कि हम यहाँ पे आर्मीज की टीम को ट्रेन करते हैं. ये हमारा एडिशनल एक टास्क मिला हुआ है एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल को. और इस जो हम AWGN बोलते हैं, आर्मी विंटर गेम्स नोड है एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, हम आर्मीज की टीम को इस तरह से ट्रेन करते हैं ताकि वो कल अपनी जो कंट्री है इंडिया को रिप्रेजेंट करे आलमी लेवल पे जो है जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है उसमें. और एक सवाल आपने पूछा था कि जो हमारे पास अभी बहुत सारे ऐसे आर्मीज की टीम से बहुत सारे ऐसे जवान हैं जिन्होंने आलमी लेवल पे ओलंपिक्स में मेडल लाए हैं, गोल्ड मेडल लाए हैं, तो इतने सारे मेडल्स और इतने सारे अचीवमेंट्स हैं हमारे आर्मी विंटर गेम्स नोड के, उसके लिए आपको हमारा जो म्यूजियम है वहाँ पे विजिट करना होगा तो यू कैन सी व्हाट अचीवमेंट्स आर देयर. थैंक यू सर. एक प्रीमियर कैटेगरी एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पर इंडियन आर्मी, पैरा मिलिट्री फोर्सेज और फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के नुमाइंदों को ट्रेन किया जाता है, चाहे वो हाई एल्टीट्यूड का इलाका हो, सुपर हाई एल्टीट्यूड का इलाका हो, स्नोबोर्ड इलाका हो और ग्लेशियटेड टेरेन हो. यहाँ पे 2 प्रकार के कोर्स चलाए जाते हैं, एक माउंटेन वॉरफेयर सीरीज और विंटर वॉरफेयर सीरीज. अभी हम यहाँ पे गुलमर्ग में हैं जहाँ पे विंटर वॉरफेयर सीरीज का विंटर वॉरफेयर बेसिक कोर्स चलाया जा रहा है. इनिशियली जब एक स्टूडेंट यहाँ पे ट्रेन होने के लिए आता है तो पहले 1 हफ्ते में उसको एक्लिमेटाइजेशन और इश्यू ऑफ स्टोर किया जाता है. यहाँ पे ट्रेनिंग बड़े सिस्टमेटिक तरीके से कराई जाती है ताकि विभिन्न विभिन्न जगहों से आए हुए स्टूडेंट्स एक लेवल पे आ सके और उनको ट्रेन किया जा सके. सही बोल रहे हैं, गुलमर्ग में टेम्परेचर -10 से -15 डिग्री चल जाता है और हमारा मेन मुद्दा यहाँ पर जो हम स्नोक्राफ्ट ट्रेनिंग देते हैं उसमें यही होता है कि यहाँ पे इंडियन आर्मी के जवानों को विंटर में कैसे ऑपरेट करना है उसके बारे में सिखा सके. जब एक स्टूडेंट यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आता है तो उसको ऑर्डिनरी स्टोर से मिले हुए ECC क्लोथिंग यानी कि एक्सट्रीम क्लाइम कोल्ड क्लाइमेट इसकी क्लोथिंग से दिया जाता है और उनको यहाँ पे सर्वाइवल के अलग अलग तरीके और तकनीकें सिखाई जाती हैं जिससे कि वो एक बार वापस अपनी जब यूनिट में जा सकें तो वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइम कोल्ड क्लाइमेट में ऑपरेट कर सकें. यहाँ पे 2 प्रकार के कोर्स चलाए जाते हैं, एक माउंटेन वॉरफेयर सीरीज और विंटर वॉरफेयर सीरीज. माउंटेन वॉरफेयर सीरीज में जो बेसिक कोर्स होता है वो 7 हफ्ते का होता है और एडवांस कोर्स 4 हफ्ते का होता है. उसी प्रकार से विंटर वॉरफेयर सीरीज में भी 2 कोर्स चलते हैं, विंटर वॉरफेयर बेसिक जो कि 9 हफ्ते का और विंटर वॉरफेयर एडवांस जो कि 3 हफ्ते का चलाया जाता है. यहाँ पे जब एक नुमाइंदा इन 4 कोर्सेज को कर लेता है तो वो एक माउंटेन वॉरियर कहलाता है और यहाँ पे कोर्स करने के बाद वो चाहे कारगिल हो, चाहे सियाचिन हो, चाहे सिक्किम हो, कहीं भी पूरे पहाड़ी के इलाके में तैनात होकर अपनी ड्यूटी को कर सकता है. यहाँ पे विंटर वॉरफेयर सीरीज में हम स्नोक्राफ्ट की ट्रेनिंग देते हैं जिसमें स्टूडेंट को सिखाया जाता है कि विंटर में किस प्रकार से सर्वाइव करना है, अगर वो एवलांच में फंस जाते हैं तो एवलांच से किस तरह से अपने आप को बचाना है, या अगर किसी को रेस्क्यू करना है तो किस प्रकार से रेस्क्यू कराना है. यहाँ पे सियाचिन, कारगिल, द्रास से आए हुए यूनिट ट्रेनिंग टीम के नुमाइंदे होते हैं जिनको इन चीजों में सिखलाई दी जाती है और यही नुमाइंदे एक बार वापस जब अपनी लोकेशन में जैसे कि सियाचिन, कारगिल और द्रास में चले जाते हैं तो अपने बाकी नुमाइंदों को भी यही तकनीकें सिखाते हैं. यहाँ पे अगर हम इक्विपमेंट देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे जो विंटर वॉरफेयर सीरीज यहाँ पे चलाया जाता है ये पूरा टेक्निकल कोर्स है. यहाँ पे स्टूडेंट्स को स्की शूज, स्की हेलमेट से नवाजा जाता है और इनको जो एवलांच रेस्क्यू की ट्रेनिंग दी जाती है तो हम बिल्कुल लेटेस्ट इक्विपमेंट जो कि यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में इस्तेमाल होते हैं वहाँ से इनको इनके बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है. इस आर्मी पर्सनल्स के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज और फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के भी नुमाइंदे आते हैं जिनको हम यहाँ पे इनके विंटर वॉरफेयर सीरीज और माउंटेन वॉरफेयर सीरीज के बेशक कई सारे टेक्निकों के बारे में सिखाया जाता है. बहुत यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में ट्रेनिंग बड़े सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके से कराया जाता है. इनिशियली जब स्टूडेंट यहाँ पर कोर्स करने के लिए आता है तो पहले 1 हफ्ते में उनका एक्लिमेटाइजेशन होता है,
जब स्टूडेंट एक बार यहाँ पे एक्लिमेटाइज हो जाता है तो ट्रेनिंग को धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ाया जाता है। जैसे कि पहले बताया, ये ट्रेनिंग पूरी 9 हफ्ते की होती है, तो पहले हफ्ता एक्लिमेटाइजेशन छोड़ के धीरे धीरे इसका ग्रेजुअली इसको डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जाता है, ताकि 9वें हफ्ते तक जो स्टूडेंट यहाँ पे ट्रेंड हो रहा है वो इतना सक्षम हो सके ताकि वो किसी भी ऑपरेशनल टास्क को पूरा अंजाम दे सके। यहाँ पर जो स्नोक्राफ्ट की ट्रेनिंग जाती है, इसमें बेसिकली मिलिट्री स्कीइंग कहा जाता है। मिलिट्री स्कीइंग स्पोर्ट्स स्कीइंग से अलग है यहाँ पे, क्योंकि जो स्पोर्ट्स स्कीइंग है वो आपका बीटेड स्लोप में होता है, जबकि मिलिट्री स्कीइंग आपका सॉफ्ट स्नो में किया जाता है। और मिलिट्री स्कीइंग में आपका कॉम्बैट लोड भी होता है। जैसा कि आपको पता है कि अधिकांश हमारी जो इंडियन आर्मी है पहाड़ी इलाकों में डिप्लॉयड है, तो एक जगह से जब दूसरी जगह पे मूवमेंट करना होता है तब उन्हें अपना लोड उठा के भी हरकत करनी पड़ती है। तो जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है वो बिना लोड के होती है, मगर जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ती जाती है उनको लोड दे दिया जाता है और 9वें वीक के आखिरी हफ्ते तक इनका लोड 20 kg तक हो जाता है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में जो ट्रेनिंग दी जाती है वो एक सोल्जर को इतना निपुण बना देती है कि वो किसी भी टास्क, चाहे वो ऑपरेशनल टास्क हो या रेस्क्यू टास्क हो, उसको बखूबी अंजाम दे सके।